हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Magician, Eight of Cups, Ace of Cups, Three of Pentacles and King of Pentacles. Okay. So, Ace of Cups का कार्ड है। Ace of Cups के यहाँ होने का मतलब है कि शायद आपको कुछ ऑफर होने वाला है, तब जब आप उसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। द मैजिशियन के साथ हो सकता है, इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है कई बार पास्ट में, बहुत सारी बातें ऐसे कही जो सही नहीं थी, कई सारे झूठ हर चीज से रिलेटेड। तो लगता है जैसे कि अब आप अपना इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं। इस पर्सन ने आपको काफी लंबे समय तक इग्नोर किया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया एंड अब आप केयर नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि अब आप डन हो चुके हैं। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। शायद आप जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर पीछे, और काफी कुछ बचा हुआ है अभी भी, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और अब जब ये पर्सन आपका इंटरेस्ट लूज होते हुए देख रहा है, तो ये जल्दी ही कुछ आपको ऑफर करेंगे। ओके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स अभी तक बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। इस पर्सन को लग रहा था कि ओके, रिलेशनशिप ही तो है, लव ही तो है, ये वेट कर सकता है, लाइफ की कोई नेसेसरी चीज नहीं है। एंड आप अगर उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें सिक्योर होना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि ये सिक्योरिटी की निशानी है कि आप कमिटमेंट ना मांगे उनसे। और इस पर्सन का इस तरीके से सोचना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हुआ है। ये पर्सन शायद इस बात को लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त था कि ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगा, वो जब चाहे तब चूज कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को और आपको, और जब तक चाहे तब तक आपको वेट करवा सकते हैं। सो अब लगता है इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं, और जब वो आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, आप अब तंग आ चुके हैं, तब ये पर्सन आपको ऑफर करेगा वो कमिटमेंट जो आपको चाहिए। इनफैक्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है ये पर्सन आपके बारे में काफी बातें कर रहा है, आपके पीठ पीछे अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम जो उन्होंने खुद ही क्रिएट कर ली है और अब चाहते हैं इससे बाहर आना। सो ये पर्सन सोच रहा है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ओके, इस पॉइंट पे इस पर्सन को लगता है कि आपको रोकना जरूरी है, अदरवाइज जो एट ऑफ कप्स आपने ऑफर किया है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस पर्सन को पता है कि कभी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा उनके लिए, इतनी सेक्रीफाइसेस नहीं करेगा। सो इस पर्सन को पता है कि वो कौन है और क्या डिजर्व करते हैं, और ये भी पता है कि आपने उन्हें जो वो डिजर्व करते हैं उससे बहुत ज्यादा दिया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा कॉशियस हो गया है, वो नहीं चाहते कि वो आपको लूज करें। अभी तक इन्हें लग रहा था कि इन्हें आपकी परवाह करने की जरूरत नहीं है एंड आप इस जर्नी को अकेले ही कंटिन्यू कर लेंगे, आप एंडलेस पेशेंस दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो वो आपको कितना भी वेट करा सकते हैं। ये चीज इस रिलेशनशिप पे कितनी भारी पड़ गई वो अब जाके इन्हें समझ में आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि आपके मैच्योर होने का और स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि आप एंडलेसली वेट करते जाएंगे और आपकी फीलिंग्स नहीं है या आपके ड्रीम्स नहीं है या फिर आपके अंदर बेचैनी नहीं है अपने ड्रीम्स को पूरा करने की। सो अब इस पर्सन ने अपना लेसन सीखा है बहुत हार्श वे में और आपको ये ऑफर कर सकते हैं कुछ, बट देन आप सोचने लगेंगे कि क्या आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ऑफर, ये प्रपोजल जो आपको तब मिला जब आप इस रिलेशनशिप को
छोड़ के जाने के बारे में डिसाइड कर रहे थे, अदरवाइज आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। इट्स लाइक आपने वो हर कोशिश कर ली जो आप कर सकते थे एंड एंड में गिव अप कर दिया। तब ये पर्सन आपको ये कमिटमेंट ऑफर कर रहा है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे इस सिचुएशन में। ये पर्सन आपको ऑफर करेगा कुछ एंड आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और एट द सेम टाइम बहुत सारे इमोशंस आपके मन में वापस लौट आएंगे, जो भी मेमोरीज है पास्ट की, अच्छी बुरी, वो सब एक साथ आपके मन में आ सकती हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होगा और लगता है कि थोड़ी अनप्लीजेंट सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड। तो लगता है जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ काफी लंबे इंतजार के बाद आपको ऑफर होगा कमिटमेंट। फाइनली आपको लगेगा कि चीजें बदल रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड होता ही बदलाव के बारे में है। ऐसी सिचुएशन जो कब से एक ही जगह पे रुकी हुई थी एंड आप उम्मीद कर रहे थे कि कुछ चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था, वो डेफिनेटली चेंज होने वाली है। और सेवन ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि जो भ्रम है आपके वो अब क्लियर होंगे धीरे धीरे। एट द सेम पॉइंट आपको टैरो ये कह रहा है कि कुछ भी आपको इमिडिएटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हिडन है बैकग्राउंड में। एट ऑफ कप्स के साथ अगर आप इन टू ऑफ कप्स को जोड़ें तो एक परफेक्ट लाइफ नजर आती है और सब कुछ ठीक नजर आता है। सो पॉसिबली कुछ ऐसी ही बात ये पर्सन कर सकता है, परफेक्ट प्रोमिसेस, परफेक्ट ड्रीम्स। अगर आप कंफर्टेबल है इस रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, लेकिन अगर आप हेजिटेट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीजें ठीक नहीं है, पास्ट में जो था उसे सॉर्ट आउट करना पहले जरूरी है, या जस्टिस इंश्योर करना जरूरी है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, डिटेल्स में जाना जरूरी है, चीजों को फिगर आउट करना जरूरी है, टाइम लेना जरूरी है इससे पहले कि आप किसी भी चीज को यस या नो कहें, किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करें, तो डेफिनेटली अपना वक्त लीजिए, सोचिए चीजों के बारे में, उसके बाद ही आगे बढ़िए। बिकॉज अभी जो कुछ भी परफेक्ट लग रहा है हो सकता है कि वो बाद में परफेक्ट ना लगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी भी अनक्लियर हैं। सो अगेन आप अपना वक्त लीजिए, जस्ट बिकॉज आपको कुछ ऐसा ऑफर हो रहा है जो आप कब से चाहते थे, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद आपको लगे कि ओके आपको रुकना चाहिए था, सोचना चाहिए था, या फिर ये तो वो चीज है ही नहीं जो आप समझ रहे थे और आपको शायद इसकी जरूरत ही नहीं थी, बाद में कुछ ऐसा फील करें, उससे अच्छा है कि आप एक्सेप्ट करने से पहले ही चीजों को डिटेल में देख लें। ओके ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अपने लिए सही चॉइसेस कर पाए। सो आई थिंक टैरो आपसे ये कहना चाहता है कि आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि ओके आप कब से इस कमिटमेंट का इंतजार कर रहे थे और आपको इसे इमिडिएटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली इसे एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको रोक रहा है, तो अपना टाइम लीजिए। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने कुछ ऑफर किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमिडिएटली उसे एक्सेप्ट करें या रिस्पॉन्ड करें। इस पॉइंट पे अपना स्पेस लेना जरूरी है, बिकॉज आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए कि अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो बाद में ये ऑफर नहीं मिलेगा या आप कुछ लूज कर देंगे। कोई भी चीज फियर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, यही टैरो आपको रिमाइंड करवाना चाहता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। द माउंटेन,
सोटैरो आपसे कह रहा है कि अभी पूरी पिक्चर आप देख नहीं पाए हैं, जिस तरीके से माउंटेन टॉप पे चढ़ के आप एक साथ बहुत बड़ा एरिया देख सकते हैं जो आपको नीचे से नजर नहीं आता, वैसे ही अभी कुछ जर्नी बाकी है, तभी जाके आप पूरी पिक्चर देख पाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो पेशेंस रखिए और अपना वक्त लीजिए, वैसे भी जो आपका है वो आपका ही इंतजार करेगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।